बर्थडे से आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कपड़ों का कितना ज़्यादा ढेर लग चुका है और पूरा कमरा जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जो है सारा कुछ समेटा है। यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हरन भी पास में ही बैठी है, उसको मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है इसलिए वो बोल रही है कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है इसमें। तो चलिए पहले फटाफट से इसको समेटते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों से। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी सेकंड डे हो चुका है और लवली वजी का जाने वाला दिन है। जी हाँ, कल दोपहर को वो आ गई थी और आज वो जा भी रही हैं। आज रोक रहे हैं तो वो नहीं रोक रहे हैं क्योंकि फैजान की फिर स्कूल की तो खैर हो ही रही हैं स्कूल की, और लेकिन जो है ट्यूशन की भी उसकी छुट्टियाँ हो रही हैं तो इसलिए जो है कल वो ट्यूशन नहीं गया और आज भी नहीं शायद जा पाएगा, तो इसलिए सोच रही हैं जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो फिर मैं 5 बजे तक उसको ट्यूशन भेज दूँगी। तो यही होता है ना कि लड़कियों को शादी के बाद पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो ठीक है रुक लो जितना मन चाहे मायके में, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगे ट्यूशन जाने लगे ना। हाँ क्या? हाँ छोटी खोल दी तुमने? हाँ देखो ये वाह छोटी खोल दी हिबा ने, दो छोटी बनाई थी वो निकाल दी है इसने। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं स्कूल या ट्यूशन जाने लगे हैं तो फिर उसके बाद माँ बिल्कुल भी मायके में नहीं रुक पाती हैं क्योंकि फिर उनकी छुट्टियाँ होने का वो रहता है उनको कि अरे एक दिन की छुट्टी हो गई, 2 दिन की छुट्टी हो गई, तो ऐसे। क्योंकि इनकी ट्यूशन टीचर भी जो है ना वो बिल्कुल भी छुट्टियाँ नहीं मनाती, अगर उनको कहीं बाहर जाना होता है तो वो पहले से ही ट्यूशन पढ़ा देती हैं, तो ऐसा रहता है। तो इसलिए अभी वो मार्केट जा रहे हैं, इनको कुछ सामान दिला दें इनकी ज़रूरत का, कुछ थोड़ा थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें इनकी, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर ये निकल जाएंगे अपने घर के लिए। हिबू हिबू तुम जा रही हो? हिबू तुम जा रही हो? हिबू रिमोट लेकर घूम रही है कि टीवी चला क्या? टीवी चल तो रही है। तो वही फैजान भाई को अपने ट्यूशन जाना है इसलिए जा रहे हैं, तो फैजान तो अभी रेडी नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी, क्योंकि हम निकल रहे हैं अभी मार्केट के लिए। फटाफट से मैं होगी रेडी और लवली वाजी अभी कुछ कुछ मतलब पर्स वगैरह रेडी कर रही हैं, तो अभी निकलते हैं। चले चल मम्मा वो यही मम्मा क्यों रो रहा है? तू आगे बैठे ना, तू तो आगे बैठे। हाँ रोई परेशान रहे पापा भाई हटा नहीं टाटा टाटा बर्थडे और ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो इनका बना भी नहीं रहे हैं हम लोग, मतलब मना भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पे स्नोबा बैठी है इनके पास, तो मैंने इनके लिए जो है गिफ्ट मंगाया है वो इनको दे देते हैं। कल एक गिफ्ट हमने रिवील कर दिया आप लोगों के सामने, कल मैंने इनके लिए जो है ग्लव्स मंगाए थे और आज जो है पार्सल रिसीव हो गया है, तो इनको वो भी दिखा देते हैं। मुझे तो पता है कि मैंने क्या मंगाया है लेकिन इनको नहीं पता है, इनको दिखाते हैं। ठीक है आके बंद करो, क्लोज योर आइज, दोनों हाथ आगे करो। ये लो आपका बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से, देखो
पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। आपके मन के इच्छा पूरी कर दी मैंने तो मैंने जो है इनकी दिल की इच्छा पूरी कर दी, इनके लिए मैंने जो है एक ट्रक सूट और एक लोअर मंगा लिया, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले लोअर के बारे में बातें कर रहे थे, मुझे लोअर ऑर्डर करने हैं, मेरे लोअर ख़राब हो चुके हैं तो इसलिए मैंने पूरा एक ट्रक सूट मंगा दिया है इनके लिए और साथ में एक लोअर सेम कलर का ही आ गया मुझे लगता है। हाँ चलो ट्रक सूट तो कभी कभी पहनेगा, लोअर भी पहन ही जाएगा। ये गरम वाला लोअर है थोड़ा वॉर्म। हाँ ट्रक सूट पहन के दिखाओ मुझे कैसा लग रहा है। बर्थडे केक तैयार है, बर्थडे केक तैयार है। अब बर्थडे बॉय वो तैयार नहीं है, मेकअप तैयार नहीं है। मेकअप करना चाहिए ना आपका, आज आपका बर्थडे ये बन रही है मेरी मैगी, अभी गैस साफ नहीं कर रही है, ठीक है अभी जस्ट खाना बना है तो गैस पे ध्यान मत देना, अभी इसको बनाने के बाद साफ करूँगी। तो गाइस आज है डेट 24, जी हाँ, और आज है इनका बर्थडे वाला दिन। और बस यहाँ पर जब मैंने फ्रिज में अचानक से देखा ना, तो मतलब ऐसे क्या है ना, गर्मियाँ होती हैं तो फ्रिज बार 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 से खुलता रहता है, लेकिन अभी जो है सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में पानी वगैरह भी नहीं रखते हैं फ्रिज में। तो ऐसा था कि ना मैंने अचानक से फ्रिज खोल कर देखा तो मुझे दिखा केक, तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कौन लेकर के आया, एकदम सरप्राइज़ कर दिया मुझे तो, क्योंकि ये जो है अपना बर्थडे कभी बनाते नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया मुझे कि हमारा कभी भी नहीं बना है, बचपन में भी नहीं कभी बना है बर्थडे वगैरह। तो मैंने फिर इनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि नहीं बनाना है या जो भी है, तो बस यहाँ पर बॉय भाई जो है केक लेकर के आ गए थे, तो बस अभी हम केक कटिंग करेंगे इनका, तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। तो मैंने भी ज्यादा वो नहीं किया चलो ले चलो तुम सरप्राइज कर देना उनको। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मैं की खा तो लिया केक आया आपके लिए सरप्राइज केक। अरे सरप्राइज बल्लू नहीं बॉल पे चिपक जाते हैं ऐसे करने से, घर्षण होता है ना तो उसको May God bless you. हम भी अगर बच्चे होते हम भी अगर नाम हमारा होता बबलू बंद तो पोड़ा नहीं आ जाओ आप पोड़े ये करो ये नो नो
बल्लू तू गुलाब तू गुलाब ऐसे खिला दो अल्लाह ताला तुम्हें लंबी उम्र दे, हर चीज में कामयाब करे, सेहतमंद रखे। प्याली तो प्याली ना। कार तो नहीं काटनी। हाँ। आप तो सोच लिए। हाँ। मोबाइल चला। पापा काटती है। चला ही जाएगा। ऐसे कर लो ऐसे। ऐसे कर लो ऐसे। काट के खाइए। तो बस केक कटिंग हो चुका है और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से हम भाई बहनों के बीच में प्यार बनाए रखे और बस सारे ही भाई कभी भी बदले नहीं अपनी बहनों के प्रति। तो बस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसी तरह से हमारे घर में खुशियां बरकरार रखे अल्लाह ताला। यहाँ पर बर्थडे हो गया इनका कंप्लीट और व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएँ देना इनको।